नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। सीमांत क्षेत्र खटीवा में बीती रात को पीलीभीत रोड पर लकड़ी मार्केट के आगे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब लकड़ी मंडी के बाहर में सड़क पर बिजली के तारों के नीचे खड़ी भूसे से भरी ट्रॉली में अचानक आग लग गई। आग इस कदर फैल गई कि दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई देने लगी। सड़क से गुजर रहे स्थानीय निवासी रमेश जोशी ने तत्काल विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन किया। इसके बाद विद्युत विभाग ने शहर की लाइट काट दी, साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने भरी ट्रॉली में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। वहीं आग बुझा रहे फायर ब्रिगेड कर्मी का कहना है कि अभी वहां फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी की आग बुझा रहे हैं, साथ ही दूसरी गाड़ी को भी बुलाया जा रहा है, जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। मैं खटीमा से अपनी घर की ओर पीली तोड़ की ओर घर की ओर जा रहा था, तो मैंने देखा कि तार के नीचे एक ट्राली रुकी हुई है और उसमें जो है आग लग रही है। और जैसे ही मेरे को पता चला कि आग लग रही है, तुरंत मैंने जो है कोतवाल साहब को फ़ोन करा, एसडीएम को फ़ोन करा, लेकिन दोनों के फ़ोन नहीं उठ पाए। उसके बाद मैंने विद्युत विभाग के एसडीओ को फ़ोन करा, जिनने तत्काल फ़ोन उठाया और तुरंत लाइट कटवाई और तुरंत थोड़ी देर में देखा तो हाईब्रिड की गाड़ी हर पहुँची और वो आग बुझा रही है।